दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कंजंक्शन शब्द है वो दो शब्दों का मेल है। देखिए ध्यान से, सी ओ एम इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर। ये एक रूट वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स में आप देखोगे सी ओ एन जो है ना, इसके मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा। यू एम सी जो है ना, इसका मतलब होता है जॉइन। ठीक है, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन देखा होगा आपने, कई रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा होता है जंक्शन। ठीक है, कई के आगे नहीं लिखा होता। तो जंक्शन उसी रेलवे स्टेशन के आगे लिखा होता है जहां पर कम से कम दो रूट की गाड़ियां आती होंगी। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कम से कम दो चीजें आकर मिलेंगी। इसे साइंस में भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां से I1 आ गया और यहां से आ गया I2। ठीक है, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? जंक्शन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया आपका। ये जो जंक्शन है इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो चीजें जुड़ेंगी, कम से कम दो चीजें, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसका होता है टुगेदर, तो जॉइंड टुगेदर। अब देखो इसका काम क्या होता है। यहां पर मैंने मेंशन किया है कि कंजंक्शन करता क्या है। ठीक है, कंजंक्शन जॉइन करता है दो वर्ड्स को। जो वर्ड्स हैं वो आपके नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकते हैं, फ्रेसेस, क्लॉज या फिर सेंटेंसेस को। यानी कम से कम दो इस तरह के किसी भी स्ट्रक्चर को वो जोड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि काइंड्स कौन कौन से। कंजंक्शन की दो काइंड्स हैं, यानी दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। अगर तुम लोग को ध्यान हो ना, हमने टेंस के बाद मैंने आपको एक चीज करवाई थी, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज करवाया, तो वहां पर भी हमने कंजंक्शन की हेल्प से ही तो देखा था ना कि अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट क्लोज बन रहा था, सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट, तो वो कंजंक्शन है, पढ़ने का टाइम आ गया। देखो जो कोऑर्डिनेट है ना, उनका काम क्या होता है कि वो जॉइन करते हैं सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को, और अगर इनकी हेल्प से दो सेंटेंसेस को मिलाया जाएगा और वो एक सिंगल सेंटेंस बनेगा, तो अगर इनकी हेल्प से, जो हमने देखा था फैन बॉयज, अगर फैन बॉयज की हेल्प से बनता है तो वो बनता था कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से जो बनता था सबऑर्डिनेट क्लोज करता था। इनमें एक एडिशनल खास बात यह है, ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, यानी इनके दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनके नेचर को भी समझ लेते हैं। जो एंड होता है ना, वो एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कनेक्ट करता है या फिर जोड़ने का काम करता है। नहीं, उसको वो क्या करता है, एक ही थीम को आगे फ्लो करता है, एक ही थीम को क्या करता है, फ्लो देता है। ठीक है, बट और येट जो है ना, वो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। बट और येट, ये कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले हैं। ठीक है, और नोर जो है ना, साफ नजर आ रहा है, नोर के अंदर भी तो और है, ये दोनों के दोनों विकल्प बताने वाले होते हैं, ये या ये। ठीक है, नोर में नेगेटिव हो जाएगा, इसी का नेगेटिव है और कहीं। सो और फोर जो है ना, ये क्या करते हैं, आपका रेफर करने का काम करते हैं। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा माइंड में रखना है। सबऑर्डिनेट इनको छोड़कर, ये जो कंजंक्शन हमने डिस्कस की है, इनको छोड़कर कोई भी कंजंक्शन जो होगा, ठीक है, वो सभी के सभी कंजंक्शन क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट कहलाएंगे। ठीक है, इसमें इफ, अनलेस, अनटिल, दैट, एज, बिकॉज़, सभी आ गए। ठीक है, ये जो टॉपिक है कंजंक्शन, इसको समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपके एरर वगैरह में तो आता ही आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं चीजें। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो होता है रीअरेंजमेंट में होता है, जो आपका PQRST होता है। ठीक है, उसमें ये सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी इससे ज्यादा हेल्प करता हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि वहां पर इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे कंजंक्शन की वर्किंग समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने यहां पर चार सेंटेंस लिख दिए। ठीक है, अच्छा देखो, पहला देखो, टॉम एंड निकी आर राइटिंग लेटर्स। अब ध्यान से देखो, ये कनेक्शन हो गया। अब तुम्हारा काम ही होना चाहिए, तुम्हें ये पहचानना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट, किस सबऑर्डिनेट, कौन सा ये कोऑर्डिनेट। ठीक है,
कोऑर्डिनेट है ना, तो ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा। तो इस साइड देख रहे हो तुम क्या है, इस साइड क्या है नी। अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच पूछो तो क्या हो गया, ये नाउन हो गए, ये भी नाउन है। ये ध्यान रखना नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब इनकी रैंक सेम होती है, तो नाउन प्रोनाउन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, दो नाउन हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, यहां पर तुम देखो ये कंजंक्शन हो गया, एंड हो गया, यहां पर क्या कनेक्ट हुआ है बता सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हमने देखा निक्की और टॉम कनेक्ट हो रहे थे, अगर हम यहाँ पर सोचे ना तो यहाँ पर देखो टेम्पल है, ये तो नाउन है लेकिन ये तो प्रीपोजिशन है। अब नाउन और प्रीपोजिशन तो कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अपना जो दायरा है देखने का वो थोड़ा सा बढ़ाना। अगर मैं कहूँ भैया इसको देखो एक बार, नियर द टेम्पल अंडर द ट्री, ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर हुए कि नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसको और उसको नहीं, ठीक है। अब अगर हम मान लो कि अपना सोच का दायरा छोटा रखें तो हम अंडर को टेम्पल को देख के कि सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर कहा था, गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया और ये भी फ्रेज है। हमने देखा भैया वर्ड्स को भी कनेक्ट करता था, ये तो वर्ड्स हो गए कह सकते हैं, और ये क्या हो गए, फ्रेज हो गए, ठीक है। फिर अगला देखना, ये कंजंक्शन हुआ ना अनलेस, ये कंजंक्शन ध्यान से देखो, ये जो है ना इस पूरे को इस पूरे के साथ कनेक्ट कर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्लोज कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर वर्ड्स कनेक्ट हुए, ये फ्रेज कनेक्ट हो गया और यहां पर क्लोज कनेक्ट हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करो, कौन से कंजंक्शन से जोड़े जा सकते हैं, देखो उनके नेचर याद करो, ठीक है। हमने कौन कौन से नेचर के किए थे, क्या सो हो रहा है इसमें और उसमें, देखने की कोशिश करो भैया कैसा नेचर है। आई हैव स्टॉप्ड माय कार, ही डिड नॉट सो, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाले कौन से कंजंक्शन थे, बट है ना, तो हम बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लगाते हैं, बट ही डिड नॉट चूज, ठीक है। तो क्या होता है कि दो सेपरेट सेंटेंसेस को भी क्या करता है, बट जो होता है कनेक्ट, मतलब बट क्या, कोई भी कंजंक्शन जो होता है कनेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि सही नेचर के जो कंजंक्शन है वही इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं यहां पर और तो नहीं लगा सकता, आई हैव स्टॉप्ड माय कार और ही डिड नॉट डू सो, यानी ये नहीं होता कि हम कोई भी कंजंक्शन किसी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी दो चीज को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। नेचर सही है लेकिन कंजंक्शन का सही चयन भी करना जरूरी होगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, वो करते हैं। यहां कोई दिक्कत, कॉन्ट्रास्ट को दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट तो दिखा दिया उसमें, बट सेम रैंक, दोनों चीजों पे फोकस करना आपको, ठीक है। इस बात पर भी फोकस करना है कि जो नेचर हो उसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शन लगे, जैसे हमने देखा, मैंने कहा और नहीं आ सकता वहां पे बट ही आएगा। एक तो नेचर को देखने की कोशिश करो, दूसरी बात ये देखने की कोशिश करो कि सेम रैंक को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि जो जिसकी रैंक सेम है नहीं ना, वो कनेक्ट कैसे होंगे, जैसे मान लो ये दोनों चीजें मुझे कनेक्ट करनी है, जब तक इनकी रैंक सेम होगी नहीं, ऊपर नीचे होगी तो कनेक्ट हो नहीं पाएंगे, समझ गए, कुछ इस तरीके से इसको देखो। अब देखो यहां पर बट है, ये तो दिख ही रहा है कि इसमें और इसमें तो कॉन्ट्रास्ट है, स्ट्रॉन्ग दिखाया फिर कावर्ड दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये देखो कि ये जो है लिंकिंग वर्ब आ गया, लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है, तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। अब यहां पर दे रखा है नाउन, हमें पता है कावर्ड जो है नाउन है, ठीक है। अगर इसके साथ एलवाई लगेगी तो ये एडजेक्टिव बनेगा, तो यहां पर नाउन नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था एडजेक्टिव, ठीक है, उस पार्ट में एरर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, यहां पर ब्रेव को कनेक्ट किया है, ठीक है, तो यहां पर ए ग्रेट फुल नहीं, क्या हो जाएगा यहां पर फ्रेज, ठीक है, यानी एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा था, ए ग्रेट फुल हो गया,
ठीक है, अगर मैंने यहां पर ए लगाया तो ध्यान से देखो फूल तो नाउन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वही वाली दिक्कत आ गई कि भैया यहां पर नाउन दे रखा था, नाउन नहीं एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करो। ठीक, आपने तो करेक्शन भी नहीं करने आते, तो बस ये देखना है कि इस साइड एडजेक्टिव ले लिया और उस साइड नाउन ले लिया, ठीक है, आर्टिकल लगा तो वो नाउन ही रहा होगा, तो गड़बड़ होगी। अब आगे देखो, याद करो ये भी नाउन था आपका, कावड़ की तरह, हाँ कावड़ की तरह ये भी नाउन था, तो यहां पर तो एडजेक्टिव दे रखा है लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक है, ये एंड से कनेक्ट हुआ तो ये वाला भी क्या आना चाहिए था मेरा एडजेक्टिव, ठीक है, चलो ये भी हुआ। नेक्स्ट देखना, अब ध्यान से देखो, पहले तो कंजक्शन को पकड़ो, कंजक्शन ये है, अच्छा देखो विटामिन को तो हेल्थफुल से नहीं कर रहा होगा, ध्यान से देखो हेल्थफुल जो है वो तो क्या हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया विटामिन, ये तो नाउन है, विटामिन तो नाउन है, एक तरफ नाउन दे रखा दूसरी तरफ नाउन है, नाउन तो नहीं है, ठीक है, अच्छा इसको ऐसे किया जा सकता है, रिच प्रीपोजिशन नाउन, ठीक है, फुल ऑफ हेल्थ, अब सेम रैंक होगी, नहीं होगी, देखो ध्यान से, नहीं समझ आया, देखो विटामिन से मैंने इसने कनेक्ट कर लिया एंड लगा, हमें एक नजरिए में तो ये लगता है कि विटामिन को कनेक्ट कर रहा होगा इससे, ठीक है, अगर विटामिन को भी कर रहा है बाई चांस समझ लें, अगर वैसे तो विटामिन जो है इसका ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो समझ लो इस प्रिकॉशन को ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ये इस विटामिन को भी कनेक्ट कर रहा है तो हेल्पफुल कोई नाउन थोड़ी है, एडजेक्टिव है, पहली बात तो वही गलत हो गया, ठीक है, अच्छा फिर अगर देखने की कोशिश करें भैया ये इस प्रिकॉशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब वहां पर कुछ ना कुछ नाउन डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर हेल्थ डाल दें ये रिच इन विटामिन एंड हेल्थ, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा सेंस नहीं कर रहा, तो बात क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट डाल रखा, तो मैंने उसी तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, हालांकि पेपर में आपको करना कहा, आपने तो ये देखना है कि नाउन के साथ में जो एडजेक्टिव की कॉम्बिनेशन कर दी जो गलत है, सेम रैंक नहीं उनकी, एरर, ठीक है, चलो आगे देखो, देखो एंड लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म, एनजी फॉर्म तो टू फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, एनजी फॉर्म, ठीक है, तो एक जो टाइप है ना आपकी जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो ये फैन बॉयज के ऊपर जो सबसे पहले टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो इस तरह के देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कि क्या करेंगे वहां पर बड़ी सफाई से कंजंक्शंस को तो सही इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसके साइड के जो रैंक होगी ना वो डिफरेंट हो जाएगी, यानी दोनों तरफ की रैंक सेम नहीं होगी, आपको दोनों ही ध्यान रखना है, कंजंक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, दूसरा उनका रैंक सेम हो, ठीक है, कर लोगे, चलो हमें ये तो पता ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, ठीक है ना, अगर हमें मान लो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना तो उसको जोड़ने का काम एक ही कर सकता है और वो है कंजंक्शन, मानते हो, कोई एडवर्ब तो नहीं जोड़ सकता, ठीक है, अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, क्या इसमें कंजंक्शन है, मान लो कोमा को हटा दो, मान लो ये हो गया, अब ले लो, अब ये जो है ये कोई कंजंक्शन थोड़ी है, ये एडवर्ब है जो टाइम के बारे में बता रहा है, देन है ना, ये तो एडवर्ब है कंजंक्शन नहीं है ना, टी एच ए एन होता वो होता कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, वो कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन होता है, अब हम ये देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर ना कंजंक्शन नहीं है तो जुड़ नहीं पाएगा ये, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो भैया ऐसे करो कोई ना कोई कंजंक्शन इसको दो, ठीक है, द मैन इज डेथ ऑन द रोड एंड देन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, समझ रहे हो, बिना कंजंक्शन के कई बार ऐसा होगा एग्जाम के अंदर कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर कंजंक्शन दे ही नहीं रखा होगा, ठीक है,
और उसमें क्या होता है कि कंजंक्शन की जगह पे वो क्या कर देते हैं, एडवर्ब डाल देते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से डीपली नहीं पढ़ा होता, वो उसी को कंजंक्शन समझ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी है कि दो चीजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे सेकंड सेंटेंस में देखो, इवन जो है ना वो एक एडवर्ब है जो स्ट्रेस डालने का काम करता था। ठीक है, जैसे ओनली था, उसी हिसाब से इवन था, इवन दे, यानी ये दे के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, लेकिन कंजंक्शन थोड़ी है। अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो दो सेंटेंस जुड़ कैसे गए, जुड़ तो नहीं पाएंगे। अगर ये एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है, तो फिर तो नहीं जुड़ सकता ना ये। तो यहां पर बात ये रखना कि जो इवन है ना वो अकेला कभी भी कंजंक्शन का काम नहीं कर सकता, वो एक एडवर्ब हो सकता है जो किसी के ऊपर स्ट्रेस डाल दे। अगर इवन के साथ इफ, देन, दो, फोर या व्हेन ये लगे हों तब तो ये बनते हैं कंजंक्शन। ठीक है, अदरवाइज इवन अकेला आए तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, इसको अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ इफ लगाओ या इस तरीके से कोई भी रिलेवेंट चीज दे रखी हो तब तो चल जाए। इवन इफ दे रीच देयर दे वॉन्ट बी एबल टू फाइंड इट। याद करो ये जो कंडीशनल पार्ट बन गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वो वाला फ्यूचर में चलो। ठीक है ना, उसी हिसाब से बात चल रही है। तो ये ध्यान रखना कि अकेले इवन को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे और उसको ऐसा फील करवाएंगे कि वो कोई कंजंक्शन होगा, लेकिन वो कंजंक्शन नहीं होगा, वो एक एडवर्ब होता है, वो अकेला जो होता है सेंटेंस को नहीं जोड़ पाता। उसके साथ जब इस तरह के से कुछ दे रखा हो तो ही वो जोड़ पाता है। ठीक है, इवन व्हेन कहो, इवन फॉर कहो, ठीक है, उस तरीके से अकेले इवन से सेंटेंस ना जोड़े। क्लियर है? एक टाइप आपकी याद थी, बोलिए। ऊपर वाला में दोनों फर्स्ट में है, हां दोनों उसके पास एंड लगा है ना, एंड जो सबोर्डिनेट वाला में नहीं हो सकता। किसमें? सबोर्डिनेट कंजंक्शन होता भी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें तो फिर तो करना पड़ेगा आपको। उसमें तो क्या होता है कि मेन क्लोज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फिर तो सबोर्डिनेट क्लोज बनेंगे उसमें। ठीक है, इसमें तो चल सकता है। ठीक है, एंड लगा हुआ है, एंड के थ्रू तो दोनों सेम टेंस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? सर, एक टाइप ये होती है, आसमान नहीं। देखो, थोड़ा सा लिंकिंग वर्ड पर कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूँ आपको। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करना, मैंने कहा था बहुत ज्यादा काम आने वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बार देखो, लिंकिंग वर्ड ना तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा, ना ही मेन वर्ब का काम कर रहा, लिंकिंग वर्ब हो गया जी। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये लिंकिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट तो रहा होगा, ये लिंकिंग वर्ब है, सबको सब्जेक्ट तो चाहिए उसको। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट कोई ये तो नहीं है। हम ये तो नहीं कहते टीथ इज नॉट ट्रू या पार्ट इज अ रूमर। अगर इसका कोई सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा तो ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक वाली जो चीज है ना, ये बन रही है सब्जेक्ट, बन रही है ना। एक्चुअली ये क्लोज हो गया, फिर तो क्लोज हो गया, सेंटेंस तो नहीं बोल सकते। सेंटेंस तो लेके वहां तक जहां तक फुल स्टॉप नहीं आता वहां तक सेंटेंस है, अब ये क्लोज है। ठीक है, अच्छा अब कमाल की बात सुनो, क्या कोई क्लोज, ठीक है वो मेन क्लोज रहा तो लगा नहीं है, लेकिन अगर वो कोई क्लोज है वो जो है बिना कंजंक्शन के तो नहीं बनेगा। ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, गोस्ट हैव लॉन्ग टीथ, दे विल जॉइन द अदर पार्टी, ये बन रहा है। अगर मान लो कि इस तरीके से कोई क्लोज सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है ना किसी का, तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लोज हो सकता है जो सब्जेक्ट का काम करे, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट किससे बनता है, नाउन या प्रोनाउन से, समझ रहे हो। अच्छा, जो नाउन क्लोज होते हैं ना वो सुन लो कौन से होते हैं, जो सबोर्डिनेट क्लोज होते हैं ना, वही नाउन क्लोज बनने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबोर्डिनेट क्लोज तो तब बनेंगे भी जब इनके साथ कंजंक्शन आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होता है, हमें इस तरीके से दैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, दैट गोस्ट हैव लॉन्ग टीथ इज नॉट ट्रू, दैट दे विल जॉइन द अदर पार्टी इज अ रूमर। इसी चीज को ना इस तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना। मान लो यहां से लेके यहां तक वाली चीज को मान लो इट, मान लो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अगर मैं बताना चाहूं तो इस दैट वाले पार्ट को आगे लगा दो, दैट
ghosts have evidence. It is not true that ghosts have long teeth. ठीक है, इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिखा. अब इस सेंटेंस को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं. जैसे मान लो हमने इट मान लिया, इट इज अ ह्यूमर. ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट दे विल जॉइन अदर प्रोग्राम. क्लियर? हम बताना चाह रहे हैं कि ये चीज है ना, ये रूमर है. ठीक है, तो गोस्ट हैव लॉन्ग टीथ नहीं, दैट गोस्ट हैव लॉन्ग टीथ इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी लिंकिंग वर्ब का इस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो कोई क्लोज दे रखा हो तो नाउन क्लोज ही बन सकता है. नाउन क्लोज बनते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज से. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तो कुछ नहीं करना, हमने तो देखना भी मिसिंग है, कंजंक्शन मिसिंग है. अगर मिसिंग है तो वो आंसर हो गया. ठीक है, एक पार्ट जो होगा आपका एरर हो जाएगा. कर लोगे? एक पार्ट इस तरीके का आएगा, एक टाइप आपका.